नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के नाखावाले बाग में पुलिस और गैंगस्टर्स में हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक पुलिसकर्मी और दोनों गैंगस्टर हुए घायल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जालंधर के चरणजीतपुरा में निकाली गई श्री राम संध्या फेरी, भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर बना मिनी अयोध्या, भक्तों ने मंदिर कमेटी द्वारा की गई तैयारियों को बताया अद्भुत। अरब हलचल विस्तार से। जालंधर के नाखावाले बाग में पुलिस और गैंगस्टरों में सुबह मुठभेड़ हो गई, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नाखावाले बाग में सीआईए स्टाफ की टीम भगोड़ों की सूचना पर रेड करने गई थी। इस दौरान टीम ने सड़क पर आरोपियों की i20 कार को घेर लिया, जिसके चलते ड्राइवर सीट पर बैठे आरोपी ने शीशे के अंदर से पुलिस पर गोली चलाई। ये गोली पुलिस मुलाजिम की पगड़ी पर लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों गैंगस्टर घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल भी बरामद किए हैं। ये दोनों आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायल पुलिस कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मौके पर सीआईए इंचार्ज सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि ये आरोपी जालंधर सिटी पुलिस के पास दर्ज कई मामलों में भगौड़े चल रहे थे। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दे नाल संपर्क सीगा कुछ मुंडिया का, उसके गैंग के नाल एफिलेटेड सीगे, एक बुलोवाल का ते एक नितिन है जो जलंधर का रहने वाला, दो मुंडे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सीगा ते ये रेकी कर रहे सीगे, दो लोगों को उन्होंने एग्जीक्यूट करना सीगा ते कुछ दिन आप पीछे लगे हुए सीगे। अज सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग इन्हों प्राप्त किया गया, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग भी हुई। 15-17 राउंड फायर हुए दोनों तरफों, दोनों क्रिटिकली इंजर्ड हैं। सिविल हॉस्पिटल उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया, तो रेकी बेसिकली रेकी कर रहे थे दोनों से। कुल मिला के कोई 8-9 पर्चे दर्ज हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी हैं ये, मर्डर एक्सटॉर्शन सुपारी किलिंग, एक i20 भज रहे थे। वो बरामद हुई, वो वेरीफाई करनी है कि चोरी दी है कि नहीं है। प्लस दो वेपन मिले हैं, जिन एक 30 बोर का स्टार पिस्टल है, एक 32 बोर का पिस्टल। एक पुलिस मुलाजम की जख्मी नहीं, जख्मी नहीं हुआ, उसे फायरिंग च उसे टर्बन च लगी है। सर हम मुठभेड़ हुई थी गैंगस्टर ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਪੀ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੋਲੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है और इसी के संबंध में सभी और जश्न मनाए जा रहे हैं। इसी को लेकर जालंधर के चरणजीतपुरा में श्री राम संध्या फेरी निकाली गई, जिसमें चरणजीतपुरा निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस संध्या फेरी के दौरान भक्तों द्वारा पालकी पर फूलों की वर्षा की गई। संध्या फेरी के मौके पर लोगों ने फूलों की वर्षा के साथ साथ पटाखे जलाकर संध्या फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर चरणजीतपुरा निवासियों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के आने का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें इस मौके का बहुत वर्षों से इंतजार था। इस मौके पर महेश मखीजा ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते, वे सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर या अपने आसपास के मंदिरों में पहुंचे और श्री राम लला के आने का स्वागत करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहुंचकर मिनी अयोध्या में भाग लें। इस मौके पर अनिल चड्डा, लक्की कपूर, बब्बी चड्डा, बिल्लू चड्डा, महेश मखीजा, जोनीपुरी, हनी गुप्ता सहित आसपास के क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम जी। सारे देशवासियों नु, मोहल्ला वासियों नु बहुत बहुत जय श्री राम जी। आज मैं महेश मखीजा चरणजीतपुरे वालों, चरणजीतपुरा वेलफेयर सोसाइटी वालों, जिहड़ी इन्हां ने
शोभा यात्रा कढ़ी गई है संध्या फेरी ओहदे विच सारयां नूं बहुत बहुत बधाई देना और प्रभु श्री राम दे कल उहनां दे दिन दी बहुत बहुत शुभकामनावें। असीं लगभग 496 साल बाद यह दिन देखने की कृपा साढ़े ते हुई है, परमात्मा ने की है जी। 136 साल बाद इन्हां दी कानूनी लड़ाई खत्म हुई है, असीं बड़े भाग्यशाली हाँ। मैं लास्ट सारयां नूं फिर बहुत बहुत शुभकामनावां देना जी और सारी शहर वासियां नूं, मोहल्ला वासियां नूं, देश वासियां नूं बहुत बहुत शुभकामनावां जी। बड़ा ही भागा वाला दिन है कि श्री राम प्रभु जी दे जिहड़े कल महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उहदे उपलक्ष्य श्री चरणजीत भरा वल्लों साडे श्री राम प्रभु जी की एक शोभा यात्रा निकाली गई है और इस उपलक्ष्य विच सारे देश वासियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा मैं अपने वल्लों और अपनी चड्ढा बरादरी वल्लों। और मैं यह भी तुहानूं जिक्र करांगा कि साडे शहर दे विच श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर और श्री देवतला मंदिर दे विच कल बहुत ही ज्यादा देखण योग्य होगा, योग्य होणगे। दीपमाला जिहड़ी असीं कीती है श्री शीतल बिज जी ने, साडे ट्रस्ट दे चेयरमैन भी आ और साडे श्री देवतला मंदिर दे ट्रस्ट दे प्रधान भी आ, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत बधाइया दूंगा कि उन्होंने सारे शहर वासियों जरा न्योता दिता और सारों बहुत खुशी है इस गल की। श्री राम जन्म भूमि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में 1,21,000 दिए जलाए जाएंगी, जिसके चलते मंदिर परिसर में दीप माला के लिए दिए स्थापित किए गए हैं और मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलमालाओं व सुंदर रंगोलियों से सुसज्जित किया गया है। वहीं इस संबंधी चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए हलचल और दैनिक सवेरा की टीम मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान हमारी टीम ने जब मंदिर में आए भक्तों से बात की तो इस दीपमाला को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का कहना था कि इस दौरान मंदिर परिसर में ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिलेगा और पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा रहा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में उन्हें पहली बार श्री देवी तालाब मंदिर में ऐसा नजारा देखने को मिला है जो अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर का पूर्ण एहसास करवा रहा है, क्योंकि चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट, दिए व रंगोली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखकर उनका मन गदगद हो रहा है और उन्हें यहीं पर अयोध्या नगरी जैसा अनुभव हो रहा है। वे भक्तों ने मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर में की गई अलौकिक सजावट की प्रशंसा की। मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा भगवान श्री राम के आगमन के स्वागत को लेकर किए गए अतुलनीय प्रयास को अविस्मरणीय बताया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतन राजपूत के साथ सुनीता और दीक्षा की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लाखों की संख्या में दिए रखे गए हैं जिन्हें जो है कल जलाया जाएगा और जो पूरा माहौल होगा वो पूरी तरह से जगमगा जाएगा। आप तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं सिद्ध शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर से, जहां पर जो है राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां यहां पर भी जोरदार तरीके से चली हुई है। मिनी अयोध्या हम यहां को कह सकते हैं, जिस तरह से यहां पर रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से मंदिर को सजाया गया है, देखते ही वाकई बहुत ही मन मोह लेने वाला ये नजारा है। पूरा माहौल जो है वो राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची जुड़ी है जो भी देवी तालाब मंदिर में मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कितने उत्साहित है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनम। सोनम, कैसा लग रहा है आपको मंदिर? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, राम जी आ रहे हैं, इतने सालों बाद हमारे अयोध्या लौट रहे हैं, पूरा देश दिवाली मना रहा है, आई एम सो हैप्पी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। आपको कल छुट्टी है? नहीं, कल पेपर है साइंस का। कल एग्जाम देने जाना है? बोला नहीं आपने कि छुट्टी चाहिए मुझे? सबकी छुट्टी है पर हमारे स्कूल खोल रखा है। तो फिर आप क्या करोगे कल खास? कल हम दिए जलाएंगे और इतनी अच्छी दिवाली बनाएंगे कि श्री राम जी हमारे घर आए और सारे देश को इतनी खुशी है कि मुझे बहुत खुशी है कि मतलब राम जी हमारे देश में आ रहे हैं। ये देवी तालाब का नजारा है, आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगाकर जरूर हाजिरी भरे। देवी तालाब मंदिर का ये नजारा है, बेहद ही खूबसूरत नजारा है, बेहद भव्य तरीके से देवी तालाब मंदिर को सजाया गया। एक नजर
मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि एक नजर इन फूलों पर डाली जाए। कितने भव्य तरीके से यहाँ पर देवी तालाब मंदिर का ये मुख्य द्वार है जिसको सजाया गया है। खास तौर पर यहाँ पर फूल मंगवाए गए हैं। देवी तालाब मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। और खास तौर पर आज यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं देवी तालाब मंदिर में। और इस मंदिर को मिनी अयोध्या कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि पूरे पंजाब भर में सबसे बड़ा उत्सव कल जहां मनाया जाएगा वो देवी तालाब मंदिर है। देवी तालाब मंदिर में कल भव्य तरीके से ये जश्न मनाया जाएगा, यानी कि कल त्रेता युग जैसी दिवाली मनाई जाएगी। खास तौर पर इन फूलों की सजावट यहां पर की गई है। करीब करीब 4 से 5 दिन इस सजावट में लगे हैं। देवी तालाब मंदिर का ये नजारा है। कहां कहां से देश के कोने कोने से यहां पर फूल मंगवाए गए हैं और माता के इस भव्य मंदिर को और भी भव्य तरीके से सजाया गया है। सबसे बड़ी बात एक बार आपको फिर से बता दें कि पूरे पंजाब में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम कल होगा, यानी कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यहाँ पर होगा देवी तालाब मंदिर जालंधर में। 1,21,000 यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे। अभी भी लोग सजावट में लगे हैं। रंग बिरंगी यहाँ पर लाइटें लगाई गई है। एक तरफ यहाँ जय श्री राम लिखा गया है, दूसरी तरफ जय माता दी लिखा गया है। माता त्रिपुर मालिनी धाम यहाँ पर हम मौजूद है। देवी तालाब मंदिर के नाम से, देवी तालाब मंदिर के नाम से ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो मंदिर का माहौल है वो राम भक्ति में डूबे हुए हैं। भक्तों की जो भीड़ है मंदिर में लगी हुई है, जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं। डिंपल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा मंदिर जो है भगवा रंग में रंगा हुआ है, सभी में एक अलग ही उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। जी दीक्षा, देख सकते हैं पूरा ये मंदिर किस तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये ऐतिहासिक देवी तालाब मंदिर है और यहाँ पर हम आपको उन दियों के दर्शन करवा रहे हैं जो कल जलेंगे। जालंधर नॉर्थ से आप नेता एवं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन के उप चेयरमैन दिनेश ढल के यूथ प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट निखिल छाबड़ा और अनेकों युवाओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान दिनेश ढल ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक दिन देश पर राज करेगी। उन्होंने आपको दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं वे सब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी का हिस्सा है। इस मौके पर आप नेता मनु छाबड़ा, मिसल शिरोमणि जरनैल सिंह, हरी सिंह, मिसल शहीदा तरनादल, जत्थेदार बाबा कुलदीप सिंह, मनवीर सिंह, परमवीर सिंह, बलविंदर सिंह, बचित्र सिंह, जगजीत सिंह, करनैल सिंह, गुरदयाल सिंह, हरजिंदर सिंह, जंग बहादुर सिंह, डॉक्टर बीडी शर्मा, परमजीत सिंह, दलजीत सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लम्बे पिंड गुरमीत ते निखिल छाबड़ा जिहड़े ने इन्हां नूं अज आम आदमी पार्टी शामिल किया। हाई कमांड दे ध्यान च लिया के इन्हां नूं जिम्मेवारी भी दिती जाएगी ते नॉर्थ एरिए दे विच यूथ दी अपना वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी इन्हां नूं दिती जाएगी, उह संभालणगे, काम करनगे। लोक सेवा जिहड़ा कि असीं समाज कई जथेबंदियां ने, कई समाजिक जिहड़ियां सोसाइटियां ने ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਢਲ ਭਾਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।
22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिरोजपुर में भी लोगों की तरफ से की गई तैयारी देखने को मिली। हर वर्ग में खुशी की लहर है। लोगों ने दो दिन पहले ही अपने घरों में दीपमाला करनी शुरू कर दी है और मंदिरों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद फिरोजपुर के अध्यक्ष हरीश गोयल ने कहा कि हम देशवासियों का ये सौभाग्य है कि हमें 496 वर्षों के बाद कई तरह की कुर्बानियां देकर यह दिन आया है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रभु श्री राम के आगमन पर सभी धर्म मिलकर इस प्राण प्रतिष्ठा जो कि अयोध्या में मनाई जा रही है, हम यहाँ पर अपने घरों में पाठ पूजा कर और दीपमाला कर इसे मनाएं। वही उन्होंने बताया कि 22 तारीख को उद्घाटन समारोह का लाइव कार्यक्रम फिरोजपुर के विभिन्न इलाकों में दिखाने की व्यवस्था भी की गई है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं हरीश गोयल, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष, फिरोजपुर जिला। 496 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट के माध्यम से जो सरकार ने ये जन्मभूमि स्थान विश्व हिंदू परिषद को सौंपा है, वहाँ पर भव्य मंदिर बन के तैयार है। उस भव्य मंदिर का तिथि निश्चित हो गई है 22 जनवरी, जिस दिन रामलला जी बाल रूप में वहाँ प्राण प्रतिष्ठित होंगे। सारे देश नहीं, विदेश तक भी जितने हिंदू समाज और भी समाज जो बैठा है, सब ने भाग के इस ढंग से सुंदर व्यवस्था का समर्थन किया है। सभी देशवासियों में बहुत उत्साह है। पूरे उत्साह से अयोध्या में लोग और पूरे देश में भव्य दिवाली के रूप में ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां के पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साई 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। इंद्रदेव बबलू पंडित ने कहा कि सच्चे गुरु को पाने के लिए हवन यज्ञ में आना जरूरी है। हवन यज्ञ में जाने से ही मनुष्य को सच्चे गुरु की पहचान हो पाती है। उन्होंने कहा कि मानव को मोह माया त्याग कर मन को शुद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गंगू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता, प्रीति, कोमल, सोनिया, रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, संजय शर्मा, अंजू शर्मा, सोनू शर्मा, सृष्टि, सुमित, बीनी, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसरा शर्मा, गग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सारा शहर, सारा देश खुशहाल रहे। तो जिहड़ा आने वाले समय 22 तरीक नूं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक है, उहदे विच शहर वासियां देश वासियां नूं कहिंदे आ कि राम जी दे जिस तरह दिवाली मनाई जाती है, दिवाली तो वड्डा उत्सव आ, क्योंकि 500 साल तो साढ़े पता नहीं किन्नियां सदियां बीत चुकियां
जिहड़ा राम जी का मंदिर नहीं बन सकिया सी, लेकिन हुण मंदिर बनिया। इहदी सानूं इन्नी कु खुशी मनानी चाहीदी आ ते 22 तरीक नूं हुम हमा के श्री राम जन्म भूमि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 1,21,000 दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, जिसके चलते मंदिर परिसर में दीपमाला के लिए दिए स्थापित किए गए हैं और मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और फूल मालाओं व सुंदर रंगोलियों से सुसज्जित किया गया है। तो वहीं इस दीपमाला को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान मंदिर परिसर में ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिलेगा और पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा। वहीं मंदिर परिसर में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल अपनी टीम सहित पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 40 वर्षों में पहली बार श्री देवी तालाब मंदिर में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। उन्होंने सभी राम भक्तों से 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण में पहुंचकर इस दीपमाला में भाग लेकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। 22 तरीक अयोध्या भगवान श्री राम जी का जरा मंदिर का निर्माण होने तो बाद कल प्राण प्रतिष्ठा का जो एक भव्य आयोजन हो रहा वो उपलक्ष्य शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी ने अपने सहयोग के नाल एक बहुत भव्य ते विशाल मंदिर की शोभा वधाई है। मैं मंदिर कमेटी के जिन्हें भी मैंबर ने सेवादार ने उन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ और मैं सारे पंजाब और जलंधर वासियों और सारे हिंदुस्तान वासियों अज के कल के दिन पर बहुत बहुत बधाई देना और उन्होंने बेनती करना कि वह कल अपने अपने घर दीपमाला कर रोशनी कर और भगवान राम जी का पाठ करें और साढ़े सीनियर प्रेजिडेंट साहब जो साढ़े नाल अज मेरे नाम खड़े ने और साढ़े पविंदर बहल जी इन्होंने भी दिन रात एक किया पिछले एक महीने तो रोज़ मंदिर के व्यवस्था में देख रहे हैं और हजारा लोग अज भी मंदिर पहुँच चुके हैं और मंदिर कमेटी ने छोटे पैकेट बना के हर घर के पैकेट पहुँचाए 11, 21, 31 और जिन्हें जिन्हें सेवादारा ने वंडे हैं मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ और जिन्हें जिन्हें घर गए ने मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि इन्होंने प्रचलित कर और अपने घर प्रार्थना करो भगवान श्री राम जी के इस भव्य उत्सव के सबसे बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खुशी का दिन है साडे भारतवासियों लई। अयोध्या जिले में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भगवान राम जी का होने जा रहा है। 500 साल के स्ट्रगल तो बाद सानू इह दिन देखने को मिलया है जिहड़ा कि एक इतिहासिक दिन बन जाना है दुनिया की हिस्टरी के। देखो भगवान राम ने 14 साल का बनवास कटिया तो अयोध्या खुशी मनाई गई। ये 500 साल का बनवास कट के पूरे देश ने पूरे वर्ल्ड च खुशी मनाई जा रही है। ये जरा राम है कर दिता है राम है दुनिया को कर दिता है। ये बहुत बड़ा राम जी की कृपा है। राम जी कहते ना जी बार बार राम नाम जपन नाल भगवान को आना पैदा इन्नी दुनिया जिसलिए भगवान का नाम लै रही है खुश हो रही है तो अयोध्या के भगवान राम को आना ही पैना है और तुम देखना भी यह मंदिर जरा ऐसा भव्य मंदिर बनना है कि जी सा शान बनेगी हिंदुओं की शान बनेगी साढ़े भारतवर्ष की शान बनेगी और सनातन की शान बनेगी। बाकी देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज जी खुले डोर देंगे सारे चलो जी अच्छे काम है करो कभी किसी का हाथ नहीं फड़ते तन मन धन के नाल सेवा करते हैं। दैनिक सवेरा परिवार साढ़े इस मंदिर की बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता साड़ी न्यूज़ में साड़िया खबरों साडे प्रोग्रामा तो मैं दैनिक सवेरा समूह का भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ मंदिर कमेटी वालों और तुहाडे सारे का धन्यवादी हाँ जिहड़े कि तुहाडे सब के सहयोग के नाल ही इन्ना वड्डा काम होना। कल्ले बंदे दे जे शीतल जी कहन जे ललित जी कहन जे पविंदर बहल जी कहन कल्ला बंदा कुछ नहीं हैगा सब का सहयोग हैगा टीम वर्क हैगा तो काम होना। और मैं पूरी उम्मीद है भी कल का जिहड़ा फंक्शन आप मना रहे हैं और महाराज की कृपा ना भगवान की कृपा के नाल ये 16 साल संपूर्ण होएगा
और जलंधर दे विच ना होएगा कि डिसिप्लिन अगर देखना है तो देवी धाम मंदिर जाके देखो। मिथिलांचल एकता कल्याण सभा जालंधर की ओर से राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम जी के भजनों का गुणगान किया गया। इस दौरान भव्य लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर शिव शंकर झा, अमीरी लाल, राम सेवक, प्रेषण सैनी, कैलाश चुन्नू सहित असंख्य राम भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। जालंधर के एक निजी होटल में नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर सतबीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें श्रीमान अस्पताल के कैंसर रोगों के प्रसिद्ध डॉक्टर बुरहान बानी तथा रेडिएशन एनकोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कंडा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया गया। इसके बाद डॉक्टर सतबीर ने आए हुए नीमा सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरांत डॉक्टर बानी ने कैंसर जैसी भयानक बीमारी, विशेष रूप से औरतों में फैलने वाली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के विषय में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि समय से उपचार और पूर्ण जागरूकता से ही इस रोग और इसकी विकृतियों से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद स्पोर्ट्स सेल के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गौतम ने बीते दिन हुए स्पोर्ट्स मीट के विजेताओं, मेंटोर और स्पॉन्सर को सम्मानित किया। तो वहीं मंच का संचालन डॉक्टर नीरज कालरा ने बहुत खूबी से किया और राष्ट्रीय गान के साथ मीटिंग का समापन हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। आज इस मौके पे हमने नीमा जालंधर के साथ ये एक मीटिंग करी थी। इसमें मीटिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात की। उसमें इम्पॉर्टेंट है जो कॉमन कैंसर्स इन वुमेन, जो महिलाओं में जो कॉमन कैंसर्स होते हैं वो आज हमने इस मीटिंग में डिस्कस किए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर्स में उसका बर्डन ऑफ डिजीज़ कितना है, कितना उसका प्रकोप है, और दूसरा उससे कितने सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी पेशेंट्स की डेथ बर्डन डेथ होती है, उसके बारे में हमने बात की। इसके साथ साथ हमने उसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, कैसे उसको शुरुआती लक्षण को डिटेक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में बात की। आज ये भी डिस्कस किया कि रेडिएशन का की रोल हैगा। रेडिएशन सर्जरी तो पहले दी जाती है और सर्जरी तो बाद ते केड़े केड़े फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे जिस करके असी जो है रेडिएशन नू अगे ट्रीटमेंट लई असी जो है पेशेंट नू एडवाइस करते हैं। सो अज जो सारा साडा जो टॉपिक सी वो सर्वाइकल कैंसर ते ब्रेस्ट कैंसर से सी, एंड रोल ऑफ रेडियोथेरेपी मीनस रेडिएशन दी लोड कदों होंदी असी सारा कुछ डिस्कस किया है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन सी लोगों के कि जो गट है वो किस तरीके दी हुंदी है, गट अगर किसी नू हो जाए तो किस तरीके से असी डायग्नोसिस करके उनू ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज असी डिस्कस कीती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की नव नियुक्त मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा ने अपने पति सीनियर भाजपा नेता इकरांत शर्मा, परिवार के सदस्यों किशोर शर्मा, साक्षी शर्मा के साथ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर मां त्रिपुर मालिनी के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने श्री देवी तालाब मंदिर में हो रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की तथा कहा कि वर्षों से इच्छा थी कि वे परिवार के साथ आकर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में दर्शन करें। ये मुराद मां ने साक्षात दर्शन देकर पूरी की है। सभी मां भक्तों को मंदिर पहुंचने पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इससे पहले सभी मां भक्तों ने हिमाचल प्रदेश स्थित मां छिन्न मस्तिका धाम में जाकर भी आशीर्वाद लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा। आज हम यहाँ पर देवी तालाब मंदिर में है जालंधर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। राम जी के आने की खुशी में राम जी प्रतिष्ठा ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
500 साल बाद हम यह दृश्य देखेंगे और इस दृश्य के हम साक्षी होंगे। आप भी इसी तरीके से अपने मंदिर को सजाएं, अपने घरों को सजाएं और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे दीप जलाएं, जैसे इस तरीके से यहाँ 151,000 दीपों का आयोजन है 22 तारीख को इस त्यौहार को दिवाली से भी बढ़कर धूमधाम से मनाएं और बहुत खुशियाँ लाएं। राम जी हमारे परिवार में, सबको बहुत खुशियाँ दें। जय श्री राम। हमारे भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जी अपने स्थान के ऊपर उपस्थित होने जा रहे हैं। अयोध्या में, अवधपुरी में, आलवड़ में जो नजारा अयोध्या में देखने का मिल रहा है, आज मैं अपने बेटे परविंदर बैल जी, सारे साथियों के साथ, लाली जी जितने भी सज्जन हैं, सारे मंदिर के परिक्रमा संजीव जी हमने की है, क्या चहल पहल कि सारा यश स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी के साहिबजादे शीतल जी। देखो मंदिर से स्वर्ण मंदिर बना और आज जो ये बहर साहब और साडे ललित गुप्ता जी, राजेश जी, जितने भी मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहबाद हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं आता। मैंने परविंदर जी को देखा है एक एक मंदिर में जाकर के, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, सिर्फ एक ही बात है उनके मन में श्रद्धा। इतना कीमती संजीव जी टाइम निकाल करके जो मंदिर का साथ देते हैं, तो मां भगवती माता भी उनके सिर के ऊपर हाथ रखती है। कई चिंताओं से मुक्ति मिलती है, कई दुख उनके दूर होते हैं। परिवार में भगवान श्री राम जी उस अलौकिक शक्ति माँ त्रिपुर मालिनी माँ वैष्णो जी का आशीर्वाद बना ही रहता है। कल जहां तक हर चल दैनिक सेवा माध्यम के द्वारा मेरी आवाज जा रही है, देवी इतना मंदिर में आए। सुबह सबसे पहले संकट मोचन, जब तक हनुमान चालीसा नहीं होगा तो भगवान कभी आते ही नहीं। हनुमान चालीसे का जप किया जाएगा, उसके बाद सुंदर कांड, जिसने सुंदर कांड पढ़ लिया समय वो सारी रामायण ही उन्होंने यश प्राप्त कर लिया है। उसके बाद अनेक पार्टी है, खास तौर से हमारे पंजाब, खास तौर से जलंधर निवासी, खास तौर से मंदिर प्रबंधक कमेटी के सभी सेवादार, उनको मैं शीतल जी प्रधान जी की तरफ से, रविंदर बैल ललित गुप्ता जी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप तन मन धन से एक बात याद रखना, जितनी भी संगत आती है ड्यूटी लगा दी है बैल साहब ने कि सभी दीपक जलाए। जहां दीपक लाइट प्रकाश होती है वहां अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। राम की खुशी में शामिल हो और अपने परिवार, घर, बच्चों, देशवासी, मोहल्ला निवासी सभी के लिए खुशियां मांगो और खुशियां बनी रहे। एक एक दिन के लिए राम का सिमरन सभी ने करें। 1,21,000 ये तो प्रधान जी ने कह दिया है। और एक बात माननी पड़ेगी भाई साहब, जो शीतल कहता है ना वो करके दिखाता है। ये नहीं कि मैं, वो मेरे साथ है या मैं उनके साथ हूं, लेकिन इंसान की योग्यता को प्राप्त करना चाहिए। उनके अंदर योग्यता है, माँ भगवती माता ने उन्हें शक्ति बल दी है। मैं एक बात देखता हूं, इतना अद्भुतपति इंसान जहां भी कोई महापुरुष मिलता है चरणों में लिप जाता है कि सारा आशीर्वाद माँ भगवती, भगवान राम और उनके पिता स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी का बना हुआ है। 2 मिनट के लिए राम का नाम, इसमें कोई बात छुपी नहीं, अंदर भी आज स्टेज के ऊपर मैं बोल रहा था, सब ठीक है।
जिन्होंने स्वर्ण मंदिर श्री अमृत प्रकाश सहगल कैलाश कपूर जी शीतल जी ने एक यश बहुत प्राप्त किया है, जो उन्होंने दर्शनी जूड़ी का निर्माण दोनों माताओं से करवाया है। कपूर परिवार और सहगल परिवार आज अमरावती में बैठ करके वो भी आशीर्वाद देते हैं। किसी पार्टी को मानो जो धर्म के लिए एक ध्वज बनकर एकत्र होते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उस बच्चे को आशीर्वाद देता हूं, माँ मुझे तंदुरुस्ती रहे और तंदुरुस्ती परे का घोर याद रखना। ये शीतल पुत्र ही है जिरा के सारे ने महाराज को के ले जा रहे थे। जब तक जेरा शेर कगे नहीं होएगा तब तक कोई काम नहीं होएगा। सैगल परिवार दे अमृत प्रकाश परिवार सैगल नू कैलाश कपूर जी बैजनाथ जी वैद्य द्वारका दास जिन्ने भी मेंबर होए आ उन्होंने का पौता लगता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के नाखा वाले बाग में पुलिस और गैंगस्टर में हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक पुलिसकर्मी और दोनों गैंगस्टर हुए घायल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जालंधर के चरणजीतपुरा में निकाली गई श्री राम संध्या फेरी, भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर बना मिनी अयोध्या, भक्तों ने मंदिर कमेटी द्वारा की गई तैयारियों को बताया अद्भुत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।